अम्ब्रेला फ्रॉक काटने के नाप लंबाई 28 इंच सीना 22 इंच कमर 20 इंच शोल्डर 10 इंच आस्तीन 10 इंच। अम्ब्रेला फ्रॉक काटने के लिए ये है हमारे पास कपड़ा 2 मीटर, 4 साल की बच्ची के लिए काटेंगे 2 मीटर कपड़े में अम्ब्रेला फ्रॉक। अम्ब्रेला फ्रॉक काटने के लिए हमें इसे कपड़े को डबल में रखेंगे, ऐसे दोनों फोर बराबर ले लेंगे और इस तरफ से इसको इस तरह से घड़ी कर लेंगे कोने पे। इस तरह से हमें अम्ब्रेला फ्रॉक के घेर निकालने के लिए पहले उसकी कमर का नाप लेंगे। कमर है इसकी 20 इंच, 5 का चौथाई हिस्सा हुआ 20, 2 इंच बढ़ा लेंगे, 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। हम 10 इंच की इसके ऊपर की बाड़ी लगाएंगे, नीचे का घेर लेंगे 18 इंच का होना, उसमें 2 इंच बढ़ा के लेंगे, 20 इंच पर चाक से निशान लगा लेंगे। इस तरह से चाक टेप को ऐसे बीच में पकड़ेंगे और 20-20 इंच पर इस तरह से गोल घुमाते हुए इस तरह से हम यहाँ से टेप को इसी तरह पकड़ के रखेंगे और इस तरह से घुमाते रहेंगे और चाक से निशान कर देंगे। इस तरह से और हम नीचे का घेर काट लेंगे। ये हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक का घेर नीचे से कट गया। अब हम इसके ऊपर की बॉडी काटेंगे, इसको हम रख देंगे ऊपर। इनमें से बचे हुए कपड़े में से हम पहले आस्तीन निकाल लेंगे, बच्ची की आस्तीन है 10 इंच की। पांच पर हम निशान लगा लेंगे बॉटम के लिए, यहाँ से नाप के 2 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे। इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। और यहाँ से आस्तीन का निशान बना लेंगे और इस तरह से ये आस्तीन लगाने के लिए हम कैंची से एक निशान लगा देंगे, यहाँ से लगेगी बीच में और आस्तीन को काट के भी एक तरफ रख लेंगे। हमारे पास घेर में से बचा हुआ कपड़ा और बचा है जिससे हम ऊपर की बाड़ी का कपड़ा काटेंगे जो हम डबल में रखेंगे इस तरह, ताकि आगे पीछे की दोनों कट जाए। इसको हम एक बार और इस तरह से करेंगे। हम इसकी लंबाई रखेंगे 10 इंच, 1 इंच नीचे के लिए, 1 इंच ऊपर के लिए सिलाई में, 12 इंच की काटेंगे ताकि हमारी 10 इंच कंप्लीट बैठ जाए। उनका शोल्डर है 10 इंच, हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान से टेप पकड़कर नीचे की तरफ 1/2 इंच बढ़ाकर एक चाक से निशान कर लेंगे। 1/2 इंच गोलाई के लिए छोड़ेंगे। सीना है इनका 22 इंच, 7.5 पर निशान लगा लेंगे। कमर है इनकी 20 इंच, 7 इंच पर निशान लगा लेंगे।
इस निशान को चाक से मिला देंगे। डेढ़ इंच पर इनके गले का निशान लगा देंगे। ये हमारी ऊपर की बॉडी कट गई, ये आस्तीन कट गई और ये रहा नीचे का घेर। ये अम्ब्रेला फ्रॉक का घेर हो गया, ये ऊपर की बॉडी हो गई और ये आस्तीन हो गई। अब इसे हम सिलेंगे।